राम आदाब, चर्चा मम्मी पापा से ये विषय पर सीडी बनाई गई है। सभी मम्मी पापा और घर के बाकी के मेंबर्स का ड्रीम होता है कि उनका बच्चा आगे चल के सक्सेस हो और उनका नाम रोशन करे, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं करता, बच्चा टीवी पे बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करता है, जिद्दी ज़्यादा है, सुनता नहीं है, और ये सभी प्रॉब्लम्स हर घर में देखे जाते हैं। घर के सभी मेंबर्स इस प्रश्न से परेशान हैं और उन्हें ये नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसी विषय को लेकर हमने सीडी तैयार की है। हमारे सीडी बनाने का एक ही एम है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो और आगे चल के आपका बच्चा दुनिया में एक अच्छा नागरिक बने। ये सीडी मेरे 15 साल की प्रैक्टिस का अनुभव, मेरी पढ़ाई और मेरी पत्नी का साथ की वजह से सीडी हमने तैयार कर सकी है। सभी मम्मी पापा का ड्रीम होता है और वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं आगे कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन ड्रीम क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, आईएएस, ये सब ड्रीम करने के लिए बच्चों का एजुकेशन का बहुत महत्व है। इसका मतलब आगे का सक्सेस सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंडेंट है? नहीं, आप अपने दोस्तों की लिस्ट बनाइए, जो आपके बचपन के दोस्त थे, जो आपके साथ स्कूल में पढ़ रहे थे, उनकी लिस्ट बनाइए जो सक्सेसफुल है, जो आज पैसे वाले हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, तो आप पाएंगे कि वो दोस्त जो सक्सेसफुल है उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी कम है। इसका मतलब सक्सेस और पढ़ाई का संबंध है, हाँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सक्सेस और पर्सनैलिटी का संबंध है। जो आपके दोस्त सक्सेसफुल है उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो दुनिया को हर सिचुएशन को हैंडल करते, कोई भी सिचुएशन से घबराते नहीं और उसको आगे लेके जाते। इसका मतलब ये है कि सक्सेस पाने के लिए एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एजुकेशन से भी ज़्यादा जरूरी है पर्सनैलिटी। ये समझने के लिए हमें 50 साल पहले की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। 50 साल पहले किसी ने कल्पना की थी मोबाइल आएगा जिससे आप दूसरे आदमी से बात कर सकते? शायद मेरे दादाजी ने नहीं की थी। अगर मेरे दादाजी उनके फ्रेंड्स को उस वक्त कहते, देखो भाई एक मोबाइल आएगा जिससे आप बगैर वायर लगाए आप बात कर सकते, तो उस वक्त सभी लोग उन पर हंसते, लेकिन ये सच्चाई है। उस वक्त मेरे दादाजी को लोग क्या कहते, ये आदमी पागल हो गया और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और आज सच्चाई है कि मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है और हर मॉडर्न फैसिलिटी से, जिसकी कल्पना शायद किसी ने 50 साल पहले नहीं की थी। आज हमारी हम जिंदगी इस मॉडर्न फैसिलिटी के सिवा इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान का आईक्यू बढ़ रहा है। आईक्यू क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम एजुकेशन को बहुत महत्व दे रहे हैं। आज हम हमारे बच्चे के पालन पोषण में एजुकेशन को ही सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इस वजह से इंटेलिजेंस और एजुकेशन एक्सपोजर से हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। किसी भी डेवलपमेंट के लिए बच्चों के, वो इंटेलिजेंस हो या और कोई भी डेवलपमेंट हो, वो दो चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, एक नेचर और एक दूसरा नर्चर। नेचर मतलब जो हम भगवान से लेके आते, जो हमारे मम्मी पापा से हमें मिलता है, उसे हम नहीं बदल सकते। और दूसरा होता है नर्चर, मतलब पैदा होने के बाद हम बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करते, उसी पे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। अगर हमारा पालन पोषण इस वक्त एजुकेशन पे ही है, इस वजह से बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा होशियार है, हम हमारे पिताजी से ज़्यादा होशियार थे और हमारे पिताजी हमारे दादाजी से ज़्यादा होशियार थे। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्यूटर और मोबाइल हैंडल कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस यानी आईक्यू बढ़ रहा है। इस मॉडर्न फैसिलिटी के साथ हमें बहुत कुछ और भी मिल रहा है, जैसे इंसान स्ट्रेस में, आज हर इंसान स्ट्रेस की ज़िंदगी जी रहा है। पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पहले चार भाई एक साथ रहते थे, आजकल हम हमारे मम्मी पापा को भी साथ में लेकर रहने को तैयार नहीं है। आगे चल के बॉम्बे जैसे बड़े सिटीज़ में दिख रहा है कि पति पत्नी अलग एक एक बच्चे को लेकर रह रहे हैं। सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, साइकेट्रिक केसेस के बढ़ रहे हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 1990 में अमेरिका में उन्होंने स्टडी की थी कि साइकेट्रिक ड्रग कितनी लगती है अमेरिका में, तो उस वक्त $200 बिलियन की साइकेट्रिक ड्रग लगती थी, जो 2010 में चल कर $2000 बिलियन की लग रही है। मतलब 20 साल में 10 टाइम साइकेट्रिक ड्रग की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? उसका कारण है इमोशनल क्वेश्चन,
मतलब ईक्यू ये कम हो रहा है। ईक्यू का मतलब पर्सनालिटी, जो सिचुएशन को हैंडल कर सके, जो भी परिस्थिति आए उसको हैंडल करना और उसको जिंदगी को आगे लेके जाना, ये बच्चों में कम होते जा रहा है और आगे की जनरेशन में कम दिख रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम पूरी प्रायोरिटी सिर्फ एजुकेशन को दे रहे हैं और इस वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हमारा ध्यान नहीं है और इस वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम हो रहा है। हम ये कह सकते कि हमारे दादाजी हमारे पापा से ज़्यादा स्ट्रांग थे मेंटली, हमारे पापा हमसे मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग थे और हम हमारे बच्चों से मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं आइसबर्ग, आइसबर्ग का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिखता है और बहुत बड़ा हिस्सा नीचे रहता है। हम पेरेंट्स आजकल आइसबर्ग का ऊपर का ही चित्र देख रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन को महत्व दिया जा रहा है। जर्मनी में एक स्टडी की गई थी 1965 में और 2005 में, उन्होंने ऐसा पाया कि 1965 का जो एवरेज आईक्यू जर्मन था और जो 2005 का आईक्यू था वो 40 से बड़ा है। इसका मतलब जर्मनी के लोग 65 से 2005 में ज़्यादा होशियार थे, लेकिन उन्होंने ईक्यू भी मेजर किया था, इमोशनल कोशेंट, और उन्होंने ऐसा पाया कि ईक्यू 50 से कम हुआ है। मतलब 1965 का आदमी मेंटली और पर्सनैलिटी वाइज स्ट्रांग था कम्पेयर टू 2005। गोल्डमैन स्टडी की गई, वहाँ पे उन्होंने पाया कि रिसर्च में ये पाया कि सक्सेस होने के लिए आपको एजुकेशन में सिर्फ 20% चाहिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 80% चाहिए। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन से ज़्यादा महत्व रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन की तरफ ध्यान मत दीजिए, इसका मतलब ये है कि आप एजुकेशन के साथ साथ पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। आजकल के पेरेंट्स सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दे रहे, तो मैं यहाँ सभी से विनती करूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दीजिए।